अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द Z5 ऐप राइट नाउ. कुंडली भाग्य. जा रही हैं आप? पापी से तो मिलने आए हैं. नील, एक बात कहूं प्रीता अरोड़ा, तुम जब भी करती हो तो मैं तुम्हें बचाता हूं. जानती हो क्यों? क्यों? बिकॉज़ आई. चलो बता दो, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ाई माफ करते हैं. देखो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा फोन लाउड स्पीकर पे कभी रखना मत. हाँ, तो अगर स्पीकर पे था तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे, लोगों को लगेगा कि मैं कितनी बदतमीज हूँ, कैसे बात करती हूँ, जबकि मुझे तो लगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना. समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो जैसा उसको लगने दो, वो वैसा है. आई मीन, ये सब मुझे पता है कि तुम बदतमीज हो, अब दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए कि तुम बदतमीज हो. हद में रहो करण लूथरा, हद में रहो. किसी दिन मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई ना तो बहुत पछताओगे, तुम देख लेना. इसका मतलब तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगती हैं? लगती हैं, इतनी बुरी लगती है क्या बताओ. लेकिन मैं एक बहुत ही ना सब्र वाली लड़की, इसलिए तुम्हें बार बार मौके देती हूँ सुधरने के लिए. लेकिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लग सकती है. हर चीज की लिमिट होती है. इसे धमकी समझो या वार्निंग. तुम्हें जो समझना है तुम समझो, और तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोलो. मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी. लेकिन मुझे करनी है तुमसे बात, मुझे तुम्हारी फिल्मी बकवास सुननी है. प्रीता. अरे समीर. हाय, वो सरला आंटी तुम्हें अंदर बुला रही हैं. एक्चुअली समीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है. हाँ तो बताओ. क्योंकि तुम एक बहुत ही समझदार लड़की. थैंक यू. अकड़ू, घमंडी, अड़ियर, बेवकूफ नहीं हो. हाँ तो करते हैं ना वो बात. यहाँ पे कोई भी अड़ियल, बेवकूफ, घमंडी नहीं. बोलो. सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करेंगे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विदनं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. अक्षय जी, आप अपना दाहिना हाथ आगे लेके आइए और आप आपका दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखिए. ये जो पुष्प और अक्षत है ये भगवान के सामने आप अर्पित कीजिए. बेटा, आप पूजा में ध्यान दीजिएगा. आप इस तरह से इनका हाथ नहीं छुड़ा सकते और आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी ना वो आप उसे मांग लीजिएगा. और ये पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए. अब सब आरती के लिए खड़े होंगे, आइए. अरे अक्षय जी, आप क्यों आए? मैं पानी ला रही थी ना. पानी ला रही थी? मन तो तुम्हारा पंडित की भविष्यवाणी सुनने का था. वो कसम से अक्षय जी, आपकी टाइमिंग ना 2 मिनट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, वरना तो प्रीता का भविष्य पंडित जी बताने ही वाले थे. तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और तुम्हारा फ्यूचर मैं वहां प्यास से तड़प रहा था और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. अक्षय जी, आप नाराज हो गए? ऐसी कोई बात नहीं थी, कसम से बता रही हूँ. वहाँ पर सब लोग इतने इन्वॉल्व हो गए. जहाँ मैं इन्वॉल्व होता हूँ कृतिका, वहाँ तुम्हें सिर्फ एक इंसान नजर आएगा. जानकी. अरे ले 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 ले, देखो कौन आया है.
लंबू लड़की आई है। क्या हो गया तुझे? तेरे हाथ ऐसे थर थर क्यों कांप रहे? अरे हाँ, इसने हमें मर्डर करते हुए जो देखा है और अब खुद के मर्डर की एडवांस तैयारी जो हाँ बुढ़िया। अरे रे, डरती क्यों है? मैं कोई राक्षस थोड़ी ना जो तुझे खा जाऊंगा। वैसे एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। हाय, दिखने में तो तू एकदम टंच है। नहीं तो पूरे 50% तेरे ऊपर आ गया। कितना मासूम चेहरा है तेरा, कितनी प्यारी लगती है तू। अब तेरे पे दिल आ ही गया है तो तेरे लिए एक ऑफर है। ऑफर बताऊं? तुझे कैसा बनना है? इस बुढ़िया जैसा अधमरा। बस यहीं पे रोक दीजिएगा गाड़ी। अरे क्या हुआ पंडित जी, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक समस्या है जजमान। क्या हुआ? आगे गली काफी संकरी है तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। मैं यहीं उतर जाता हूँ। यहाँ तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। सीखना तो कहीं और जाके सीख, हमारे सामने नहीं, समझा? अबे चिल्ला रहा है, दो मिनट देना, कर रहा हूँ। चिल्लाया जा रहा तब से। ओह माय गॉड, ये तो समीर की आवाज है। मतलब वहां उस कार में समीर है। मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने अभी अभी सृष्टि की आवाज सुनी है। वैसे राखी जी भी ना जिद पे आती हैं तो मानती ही नहीं है। मैंने तो कहा था कि हम लोग किसी तरीके से ऑटो पकड़ लेंगे या फिर कैब ले लेंगे, लेकिन वो मानी नहीं और देखो तुम्हें तकलीफ दे दी उन्होंने। आंटी आपको डर लग रहा है क्या? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता हूँ मैं, वेरी गुड ड्राइवर। हाँ और देखिए कुछ भी नहीं होगा, ना गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ेगी ना पेड़ से टकराएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सृष्टि का फोन घर पर है। माँ, सृष्टि को कोई उठा कर ले गया। कोई तो है जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है, पर कौन? अब इससे गलत और क्या हो सकता है? अभी पीवी मैं हूँ तुम्हारी और दिल में तुम्हारे कोई और है। पास होके भी मैं कुछ भी नहीं और वो दूर होके भी सब कुछ है तुम्हारी। एक शादीशुदा इंसान को सिर्फ अपनी पीवी के बारे में सोचना चाहिए। अभी वो 2% की मिडिल। बस तनु, तुम मेरी पीवी नहीं हो। जहर को काटने के लिए मुझे अपना वैनम तो डालना पड़ेगा, अब किसी को तो मारना होगा, लेकिन क्वेश्चन यह है कि कौन? ये? नहीं!
जो सबूत मेरे पास है उसके बिना पर मुझे कुछ लोगों पर शक। Can you come to the point? क्या आप बताएंगी कि आपको किस पर शक है? आप पर।